डॉक्टर धूमकेतु सबसे पहले हमारे सबके चहेते अंकु उर्फ अंकु डॉक्टर धूमकेतु भाई भाई इसमें लगा रिकॉर्डिंग चल रही है क्या हुआ एक्टिंग नहीं है रिकॉर्डिंग चल रही भाई पॉकेट में रख लेना और चाय की रखो ओए ऑन कर दी ना नहीं तो देखो अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है ठीक है लेकिन अरे ये बाद में आएगा आएगा जरूर लेकिन पहले मजे आएंगे ठीक है तो पहले एक स्टैंड अप हो जाए अच्छी ऐसी तो ये तुम सभी में से कौन कौन मेट्रो में कौन कौन सफ़र करता है सभी करते हैं पैसे बहुत हैं हाँ ऐसे वो तो यार देखो दिल्ली मेट्रो में ना तुमको अब देखो दिल्ली मेट्रो में ना तुम्हारे टाइम पास के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी है जैसे फुट स्टेप बनाए उन्होंने हर मेट्रो में ना छमिया भी रखनी चाहिए एक मिनट या फुट स्टेप्स बनाए तुम्हारे लिए मेट्रो वालों ने है ना बनाए हैं ना सभी के लिए तो जब मैं दिल्ली में पहली बार आया ना तो मेरे लिए था कि भाई नहीं इसी पे चलूँगा मैं तो अब तो मैं लेकिन वो फुट स्टेप मामूली इंसान के लिए नहीं है तो मैं चल रहा हूँ एक ऐसे मेरे को देख के दो अपाई जुड़ गए ऊपर से नीचे से अपना डंडा लेके भाई तू ही बैठ रहा इधर मैं नहीं बैठ रहा तू उधर एक और मेट्रो स्टेशन था राजीव चौक ठीक है राजीव चौक बच्चा खो गया ठीक है तो बच्चा खो गया पता नहीं शायद कोई अनाउंसमेंट में कोई पंडित बैठा था उस टाइम जो मंदिर से आया है तो भाई देखो जय माता दी जय शंकर प्रसाद का नाम का एक बच्चा खो गया है क्या वैष्णो देवी आ गए क्या भाई आज ठीक है तो देखो मैं कीड़ों के ऊपर बोलते हैं सभी को पता है कीड़े क्या होते हैं एजुकेटेड ऑडियंस तो यही क्वेश्चन मैंने कॉमर्स वाले से पूछा उसने बोला भाई हाँ मेरे को पता है मैंने बोला रोको इसको इसका इंसान बाहर आ गया तो फिर एक दिन मैं बैठा था मेरी बहुत फटती है कीड़ों से ठीक है तो एक दिन मैं कमरे में बैठा हूँ तो मेरे कमरे में कीड़ा आ गया ठीक है कीड़ा आ गया तो मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया मम्मी कीड़ा है बचाओ मेरे को फिर उसमें मेरी मम्मी ने क्वेश्चन पूछा बेटा कौन सा वाला है तो फिर मैंने थोड़ा सोच के फिर मैंने बोला आपको क्या है मेरी फट रही है ना तो आप आओ तो उस पर उन्होंने फिर से बोला कि तू बता तो सही टिड्डा है कि परमोटा है तो उस दिन मेरी दो चीज़ें फटी कि एक तो मेरे कमरे के अंदर कीड़ा है और दूसरा मेरे घर में जिम्बाब्वे के लोग भी रहते हैं मैं पता ही नहीं है इतने सालों से तो ठीक है अब वोट मांग लेता हूँ मैं देखो इतनी दिनों से मजाक उड़ रहा है तो अब थोड़ा सा तो इज्जत दे दो यार स्टार्टिंग मेरे से हुई थी तो अब जीतना भी मैं चाहिए हूँ और रही बात एजेंडा की देखो मैं अकेले क्या ही कर लूँगा अगर मेरे को वोट दोगे ना तो बस जो करना होगा एक साथ मिलकर करेंगे ठीक है साथ मिलकर करेंगे और मेरी टीम में देव सेना पूरी है तुम चिंता नहीं करो ठीक है तो बस यही कहना चाहूँगा कि वोट दे देना मुझे बाकी जो देखा जाएगा होगा और एक मिनट शायरी सुन लो देखो एक शायरी सुन लो ये ऋतिक ने बनाई है ठीक है ऋतिक ने बनाई तो इसमें कंडीशन ये थी कि ऋतिक ने ना एक लड़की को देखा ठीक है तो ऋतिक पागल हो गया और मेरे को फोन पे बता रहा है कि देख अंकित सुन शायरी की भाषा कि बम वो थी ब्लास्ट मैं हो गया बम वो थी ब्लास्ट मैं हो गया उसे देखते ही मेरा रुका हुआ स्कूटर स्टार्ट हो गया और जब मैंने देखा वो पलट कर उसको मेरा दिल बागबान हो गया और जब मैंने अपनी आंखें खोली वहां से सब कुछ साफ हो गया
ठीक है फिर तो वोट एंड सपोर्ट धूमकेतु। बैलेट नंबर तो बता मैथ्स के अल्फा साइन पे सभी वोट करना आ जाना सभी।